प्रतापगढ़ किसान संघ व रामलाल मीणा पूर्व उप जिला प्रमुख के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर भवरलाल मेहरा को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में कहा गया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गौरव यात्रा के दरमियान अगर हमारी मांगों को नहीं माना तो हम लोग उग्र और भयंकर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। जिसमें पहली मांग ये रखी गई कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में TSP क्षेत्र को 28,000 में से कम सीटें दी गई है, जिन्हें दोगुना किया जाना चाहिए और रीट शिक्षक भर्ती प्रथम लेवल में जितने भी पद थे उनका चयन नहीं किया गया, उनका चयन किया जाना चाहिए। दूसरी मांग महाराणा प्रताप बटालियन की घोषणा। सुराज संकल्प यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने प्रतापगढ़ की सभा में प्रतापगढ़ की बेरोजगारी खत्म करने के लिए महाराणा प्रताप बटालियन की सभी सीटें केवल TSP क्षेत्र के अभ्यर्थियों से भरी जाएगी, यह कहा था। तीसरी मांग, प्रतापगढ़ के किसानों की लहसुन की सरकार से पंजीयन करा तो दिया, लेकिन आधी से ज़्यादा किसानों की लहसुन अभी तक तुलने से रह गई है। अति शीघ्र लहसुन का तोल कराया जाए या सभी किसानों को भावांतर राशि उनके खाते में डाली जाए। वसुंधरा राजे जी, गौरव यात्रा का ढिंडोरा पीट रही है, जबकि प्रतापगढ़ के युवाओं के साथ, प्रतापगढ़ किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अभी हाल ही में रीट भर्ती जो हुई है उसमें 28,000 पदों में से संपूर्ण TSP क्षेत्र को नगण्य यानी कुछ ही पद दिए हैं, जिसकी और रीट प्रथम लेवल को भी आज तक उनको नियुक्ति नहीं दे पाई है। 5,000 पद स्वीकृत थे उसमें से 4,000 पे ही नियुक्ति दी गई है, और रीट सेकंड लेवल में अभी तक 3,000-3,500 पद ही दिए गए हैं। हमारी मांग है कि इनको डबल किया जाए और रीट फर्स्ट लेवल वालों के जो पद बाकी रह गए उनको भी पूरे पे नियुक्तियाँ दी जाए, और लहसुन की खरीद या तो करी जाए या फिर भावांतर राशि किसानों के खाते में जमा कराई जाए। अगर इन तीनों मांगों को, हमारी जो मांगे हैं, इनको नहीं माना गया तो वसुंधरा जी को प्रतापगढ़ प्रवेश के लिए पसीना आ जाएगा और हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हो सकता है वसुंधरा जी को सूरज संकल्प यात्रा या गौरव यात्रा जो भी हो इसकी, इसको यहीं से निरस्त करनी पड़े, ऐसी स्थिति हम पैदा कर देंगे। इसकी राजकीय ज्ञापन इसी को लेकर आज हमने जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और इनको चेता दिया गया है कि आज मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रही है तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, और मुख्यमंत्री जी की मनस्थिति अगर सही होगी और प्रतापगढ़ जिले के लोगों का, किसानों का, युवाओं का भविष्य चाहती होगी तो इन तीनों मांगों को हैंड टू हैंड तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करके घोषणा कर देवे। अन्यथा वसुंधरा जी देख ले कि इस तरह से लोग झांसे में आने वाले नहीं है। आपने पहले भी प्रतापगढ़ आई थी उस समय महाराणा प्रताप बटालियन में सारे पद यहीं से लूंगी और प्रतापगढ़ी बेरोजगारी को खत्म करूँ, ये कहा था, लेकिन महाराणा प्रताप बटालियन में भी कोई पद प्रतापगढ़ के लोगों को नहीं दिए गए हैं। इसलिए अब मुख्यमंत्री जी देख ले, प्रतापगढ़ का निवासी, प्रतापगढ़ की जनता और प्रतापगढ़ का आदिवासी किस प्रकार से वसुंधरा जी का स्वागत करता है या तिरस्कार करता है या इनको वापस भेजता है, इसका खामियाजा सरकार खुद देख ले। कलेक्ट्री में ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ने हमारी कोई सुनवाई अभी तक नहीं की है। अभी भी हमने लोगों ने ज्ञापन दिया है, जब वसुंधरा जी अगर 8 तारीख को बधाई दी है, उसके पहले अगर हमारी लहसुन नहीं खरीदी जाती है तो हम इसके लिए विरोध प्रकट करेंगे।